गाइस कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी नहीं बोलोगे कि रूबिक्स क्यूब कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूं कि आप इस 10 मिनट की वीडियो को देखने के बाद सिर्फ और सिर्फ क्यूब 1 मिनट और 1.5 मिनट में ही सॉल्व कर लोगे। तो चलिए फटाफट से क्यूब को कर लेता हूँ मैं स्क्रैम्बल। ठीक है, मैंने कर लिया क्यूब को फटाफट से स्क्रैम्बल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना है, एक कोई सेंटर पीस लेना है, जैसे कि ये है 6 सेंटर पीस होते हैं। तो आपको एक कोई वाइट, जैसे मैंने ले लिया है वाइट सेंटर पीस। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वाइट कलर का प्लस बनाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे चारों एज पीस लाना पड़ेगा। एज पीस मतलब दो कलर वाले पीस को हम बोलते हैं एज, तीन कलर वाले पीस को बोलते हैं कॉर्नर्स। तो क्या करना है, इस वाइट कलर को आपको रखना है टॉप पे एंड बॉटम लेयर आपके नीचे होनी चाहिए। तो बॉटम लेयर में आपको देखना है एज पीस। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे देख रहे हैं एक पहले से आपको एक एज पीस मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, इस वाले एज पीस का कलर जैसे रेड है तो इसको सेंटर से मैच कर देना है। मैच, देखो मैच हो गया। अब आपको नीचे वाले लेयर में कोई एज पीस दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो इसको क्या करना है, आपको इस सेंटर से मैच करना है। ठीक है, ऑलरेडी मैच है। तो क्या करना है, इसको दो बार मूव करके ऊपर लेके जाना है। ठीक है, एंड तीसरा एज पीस देख रहे होंगे आप कहाँ है, तीसरा एज पीस ये है। तीसरा एज पीस को क्या करना है, नीचे वाला कलर कौन सा है, ग्रीन। ठीक है, तो ग्रीन वाले सेंटर पीस के पास में लेके जाना है, जैसे कि ये मैंने लेके आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको या तो राइट मिल जाना है या तो लेफ्ट मिल जाना है। ठीक है, इस पर ध्यान मत दो, अभी इस पर फोकस करो। ठीक है, अब इसको मैंने ले गया लेफ्ट में। ओके, एंड ये जो व्हाइट ग्रीन पीस है कहाँ पे लगने वाला है, ये हो गया व्हाइट ग्रीन। तो इसको हम कर देते हैं लेफ्ट पे रोटेट एंड इसको कर देते हैं अप। ठीक है, एंड देन फिर इसको कर देते हैं रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे आ चुका है। अब करते हैं फोर्थ एच पीस है ये। ठीक है, ये कहाँ लगने वाला है, यहाँ पे। ठीक है, व्हाइट ऑरेंज। ठीक है, तो इसको कर देते हैं लेफ्ट में मूव एंड इसको कर देते हैं अप एंड रिटर्न। ठीक है, ये इस तरीके से हम बना लेंगे प्लस। अब कर लेना है इसको नीचे। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे आपको चारों एच पीस लगाने हैं व्हाइट के, मतलब एक पूरी लेयर बनानी है व्हाइट की। किस तरीके से बनाओगे, तो सबसे शुरू में आपको इन चार मूव को अप्लाई करना है राइट से भी लेफ्ट से भी। तो किस तरीके से, मैं करते जाता हूँ, आपको बताते जाता हूँ। ठीक है, आपने प्लस बना लिया। अब क्या करना है, ऐसा कॉर्नर पीस देखो। ठीक है, कॉर्नर पीस आपने देख लिया ये। ओके, ये हो गया कॉर्नर पीस। ये कहाँ लगने वाला है, व्हाइट ग्रीन रेड। ठीक है, व्हाइट ग्रीन रेड, व्हाइट ग्रीन रेड के पास लेके जाएंगे। ये आ गया व्हाइट रेड ग्रीन के पास। अब इन चार मूव्स को आपको अप्लाई करना है राइट में, 1 2 3 4। ठीक है, क्या यहाँ पे पुट हुआ, नहीं हुआ, एक और बार 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो ये हो गया, बन गया। यही फोर मूव्स को आपको राइट से भी लगाना है, लेफ्ट से भी लगाना है। ठीक है, अब ये वाला कॉर्नर पीस ये है व्हाइट रेड ब्लू। व्हाइट रेड ब्लू कहाँ लगने वाला है, व्हाइट रेड ब्लू यहाँ पे लगने वाला है। तो इसको ये तो यहाँ होता या कहीं पे भी होता तो आपको यहाँ पे लेके आना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब यही लेफ्ट से लगाना है। ठीक है, ये फोर मूव्स आपको लगाना है, 1 2 3 4, नहीं हुआ अरेंज, फिर एक और बार लगाना है 1 2 3 4, नहीं हुआ अरेंज, एक और बार 1 2 3 4, अरेंज हो गया। ठीक है, अब जैसे ये कॉर्नर पीस कौन सा है, व्हाइट ग्रीन ऑरेंज, व्हाइट ग्रीन ऑरेंज के पास लेके जाएंगे। ठीक है, इसको करें इधर साइड में फेस। ठीक है, ये हो गया व्हाइट एंड अब करते हैं 1 2 3 4, ये तो ऑरेंज हो गया। ठीक है, अब ये वाला पीस व्हाइट ऑरेंज ब्लू, व्हाइट ऑरेंज ब्लू के पास लेके गए हम, फिर कर देते हैं फिर से फोर मूव्स, 1 2 3 4। ओके, ये हो गया आपकी फर्स्ट लेयर डन। कभी कभी आपके सामने ये जो कॉर्नर पीस है बॉटम लेयर में ही दिखेगा, तो आपको फिर से यही फोर मूव्स लगाने हैं। किस तरीके से, 1 2 3 4, एक और बार 1 2 3 4, जब तक ये फोर मूव्स आपको लगाने हैं तब तक ये कॉर्नर पीस अरेंज ना हो जाए। ये बन गई फर्स्ट लेयर। अब क्या करना है, सेकेंड लेयर बनाना है। सेकेंड लेयर आपको बनाने के लिए ऐसे एच पीस देखना है, जैसे ये
येलो वो सेंटर है, ठीक है। तो आपको ऐसे एच पीस देखना है यहाँ पे जिसमें येलो ना हो, ठीक है। इसमें तो येलो है, छोड़ दो इसको, इसमें भी येलो है, छोड़ दो इसको, इसमें येलो नहीं है। तो क्या करना है, इसके नीचे वाला कलर कौन सा है, ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज सेंटर से मैच करते हैं, ऑरेंज सेंटर से मैच हुआ, नहीं हुआ, ये हो गया, ठीक है। अब ऊपर वाला कलर कौन सा है, ग्रीन, तो ग्रीन किधर साइड है, लेफ्ट में है या राइट में है, तो यह है लेफ्ट में। तो हम इसको क्या करेंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट में है तो राइट में ले जाएंगे, एंड देन इस वाले कॉर्नर पीस को आपको निकालना है, ठीक है। एंड बाद में तो पुट कर ही देंगे, पर साथ में ये आपकी सेकेंड लेयर का भी कंप्लीट हो जाएगी। तो किस तरीके से करोगे, पहले आपको सेंटर से मैच करें, ठीक है। ऊपर वाला ग्रीन है तो लेफ्ट में जा रहा है, तो इसको करेंगे राइट, इसको करेंगे, आपको फोर मोस्ट अप्लाई करना है, 1 2 3 4, एंड इसको लेफ्ट से लगाए थे, अब इसको राइट से लगाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 आपके कंप्लीट हो जाएगा। एंड फिर सेकेंड एच पी देखेंगे, जैसे ये है तो रेड से मिलाएंगे, ब्लू इधर साइड जाएगा, तो इसको करेंगे लेफ्ट में, 1 2 3 4, एंड इसको करेंगे राइट से, 1 2 3 4। इसी तरीके से ये वाला भी कर देंगे। अब कई बार क्या होगा, सारे एच पीस में आपको येलो कलर ही दिखेगा, जैसे ये 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 ये, तो सेकेंड ईयर तो कंप्लीट नहीं हुई है। तो देखियो ये जो एच पीस है यहीं पे फ्लिप है, तो आपको क्या करना है, इस वाले एच पीस को यहाँ पुट करोगे तो ये वाला एच पीस वैसे ही निकल जाएगा। तो किस तरीके से करोगे, तो आपको ये लाना है राइट में, तो इसको ले जाओगे लेफ्ट में, ओके। देन फोर मोस, 1 2 3 4, एंड आप करेंगे लेफ्ट से, 1 2 3 4, देखो ये एच पीस निकल गया। एंड इसको कर दो पुरानी वाली मेथड से पुट, ये इधर साइड आएगा तो राइट में आएगा, तो इसको करेंगे लेफ्ट में, एंड 1 2 3 4, एंड आप करेंगे लेफ्ट वाले हैंड से, 1 2 3 4, ये हो जाएगा कम्प्लीट। अब क्या करना है, सेकेंड लेयर आपकी जैसे ही कंप्लीट होगी, आपको यहाँ पे येलो कलर का प्लस बनाना पड़ेगा। तो जैसे आपने व्हाइट कलर का प्लस बनाया था, वैसे येलो कलर का प्लस बनाना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हो, अब क्या करना है, आपको जो फ्रंट लेयर है उसको घुमाना है क्लॉकवाइज। यहाँ पे आपको तीन टाइप के पैटर्न मिल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको आई दिख रहा है, आपको इस तरीके से डॉट भी मिल सकता है, एंड आपको पूरा यहाँ पे प्लस भी मिल सकता है। तो आपको क्या करना है, यही मूव्स आपको अप्लाई करना है। किस तरीके से क्या करना है, आपको जैसे डॉट मिला, आपको क्या करना है, जो फ्रंट लेयर है इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है। एंड वही फोर मूव्स को यहाँ पे अप्लाई करना है, 1 2 3 4, एंड इसको अनडू कर देना है, ठीक है। अब आपको मिलेगा एल मूव्स, ठीक है, एल शेप मिलेगा, तो इसको कर देना है इस तरीके से रोटेट, ठीक है, इस तरीके से रोटेट कर देना है। ये दो एच पी इधर होंगे, एंड फिर करना है फ्रंट लेयर को क्लॉकवाइज घुमाना है, एंड फिर वही फोर मूव्स को अप्लाई करना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, आपका प्लस प्रॉपर बन जाएगा। अब क्या करना है, आपको इनके सेंटर पीस से एच पीस का कलर मैच करवाना है, ओके। मैच है नहीं है, अब देखो ये दो तो मैच है, इसी तरीके से आपको ढूंढने हैं, नहीं मिलते हैं, इस तरीके से मिलते हैं, ठीक है। तो आपको रोटेट करते जाना है जब तक कि दो एच पीस के कलर ना मिले, ठीक है, मिले नहीं मिले, मिले नहीं मिले, मिल गए, ठीक है। इस तरीके से दो आपको ढूंढना है, एंड इस तरीके से उसको रखना है, एंड ये मूव्स अप्लाई करना है। ये दो पेयर को ऊपर उठाना है, इस वाइट कलर को एक बार दो बार ले जाना है, इसको नीचे लेके आना है, इसको फिर रिटर्न लेके आना है, इसको ऊपर करना है, एंड इस वाले व्हाइट कलर को फिर से रिटर्न करना है, एंड ये जो लाइन बन जाएगी इसको नीचे लाना है, ओके। एंड एक बार और मूव करना है, तो आपके पूरे एच पीस अरेंज हो जाएंगे। तो अब क्या करना है, आपको कॉर्नर पीस अरेंज करना है, ठीक है। कॉर्नर पीस ऐसे देखना है जो कि अरेंज हो पहले से, एक जैसे कि ये अरेंज है, अरेंज है। तो अब क्या करना है, आपको हो सकता है कि कोई भी कॉर्नर पीस अरेंज ना मिले, जैसे कि अरेंज किस तरीके से, रेड ग्रीन येलो, रेड ग्रीन येलो यहीं पे फ्लिप होके लगने वाला है, ठीक है। तो आपको ये मूव्स अप्लाई करने हैं, यदि नहीं भी मिलता है कोई भी कॉर्नर पीस अरेंज, तो क्या करना है, इसको करना है इधर साइड रोटेट, ठीक है, एक बार रोटेट करना है, एंड राइट साइड अप, एंड इस वाले राइट को हम करेंगे इधर साइड, ठीक है।
लेफ्ट साइड आप इस वाले व्हाइट कलर करेंगे, इधर ये लाइन बनेगी, इसको नीचे करेंगे, ये व्हाइट को करेंगे रिटर्न, ये लाइन बनेगी, इसको नीचे करेंगे। ओके, आप देखो कोई एच पीस कोई कॉर्नर पीस अरेंज हुआ नहीं हुआ, ठीक है। फिर से एक बार ये मूव अप्लाई करेंगे, इसको करेंगे राइट लेफ्ट में एंड करेंगे राइट साइड को अप करेंगे, ये कलर को इधर ले जाएंगे, इसको करेंगे लेफ्ट साइड को अप, ये कलर को इधर ले जाएंगे, लाइन बनेगी, इसको नीचे करेंगे, ये व्हाइट कलर को रिटर्न ले जाएंगे, ये लाइन बनेंगे, इसको नीचे कर दी। अब देखेंगे यहाँ पे कॉर्नर पीस सारे के सारे अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इसको करना है बॉटम में, ठीक है। अब आपको वही फोर मूव्स को लगाने हैं जब तक कि ये कॉर्नर पीस पूरा यहाँ पे अरेंज नहीं हो जाता, ठीक है। अब लगाओ 1 2 3 4, 1 2 3 4 अरेंज हो गया, ये तो अरेंज है। अब जो अरेंज नहीं है उसको लेके आते हैं सामने, ठीक है, ठीक है, लेके आ गए, फिर से लगाते फोर मूव्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4 नहीं हुआ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 देखो अरेंज हो गया। इसको रोटेट करके हम कर देते हैं, बना देते हैं। तो देखिए आपने पूरा रिविक्स क्यूब इसी तरीके से सॉल्व हो गया है। कोई भी दिक्कत आएगी तो फिर से मेरे पॉज करके रिटर्न देखना, पूरा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। कमेंट करना कैसा लगा वीडियो।